इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री 17 साल राज करने के बाद कहते हैं कि समाधान यात्रा पर है। किस चीज का समाधान करने में 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब राजनीतिक समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि बगल में नेपाल है, बगल में श्रीलंका है और पाकिस्तान है, इन तीनों देश की यात्रा कर लीजिए, आपको हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर मुक्ति मिल जाए। इसी दिन भी उनको कल्याण बीघा में आश्रम में बैठने की पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको बता दें कि वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और बिहार सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी जायजा लेंगे। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। सर, नीतीश कुमार जी को बिहार में जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुख्यमंत्री है बिहार के, बिहार की जनता ने 3 उपचुनाव में नकार दिया और बिहार में 17 साल के बाद नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और अगले साल 18 हो जाएगा और बालिग हो जाएगा, सत्ता बालिग में हो जाएगी। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री 17 साल राज करने के बाद कहते हैं कि समाधान यात्रा पर है। किस चीज का समाधान करने निकले? आपको तो कानून बनाकर, विधेयक लाकर बिहार के लोगों को पूरी सुविधा पहुंचाने का काम करना था, तो आप 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब राजनीतिक समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। अरे तो देखिए, उसके लिए तो जेट प्लेन उन्होंने खरीदा है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि बगल में नेपाल है, बगल में श्रीलंका है और पाकिस्तान है, इन तीनों देश की यात्रा कर लीजिए, आपको हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर मुक्ति मिल जाए। कुमार जी अब राजनीतिक तौर पर बिहार में पूरी तरह समाप्त हो चुके, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने दिनों तक विधायकों के बल पर वो सत्ता में बने रह सकते रहेंगे, किसी दिन भी उनको कल्याण बीघा में आश्रम में बैठने की पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से यह बात कही थी कि वो समाधान यात्रा के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे, जिस पर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बगल का देश है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान घूमना चाहिए, तभी उन्हें जो राजनीतिक से मुक्ति है वो मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। अब देखना होगा कि ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।